थे, जैसे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी, आप मुस्लिम होकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो करेंगे, कभी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। क्या हम जानते ही नहीं कि मुस्लिम, हम समझते ही नहीं है हिंदू और मुस्लिम। हम धरती पर पैदा ही हैं एक, हम यहाँ पर आकर धरती पर हिंदू और मुस्लिम बनाया गया है। मौलवी कहता है हम मुस्लिम है, पंडित कहता है हम हिंदू है। चुनाव पड़ता है 2024 में, तक आप किसको वोट दीजिएगा, कांग्रेस को दीजिएगा कि बीजेपी को दीजिएगा? अरे कांग्रेस तो, कांग्रेसी तो है ये है। अच्छा आप कांग्रेसी हैं? हाँ, फिर भी नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? फिर भी नरेंद्र मोदी के सपोर्ट। अच्छा। देता है, वोट देंगे नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ। सही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अच्छा हम लोग जो बिहार में, बिहार में कोई मंत्री बने उससे मतलब नहीं है, माने सांसद प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। सारे लोग हैं जो आपके धर्म से आते हैं, बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ धर्म विरोधी बात करते हैं। नहीं हम तो नहीं सुने हैं। अच्छा। धर्म विरोधी कोई बात करता है? हाँ। जब किए हैं, जब किए हैं। हाँ। आज तो नहीं सुने हैं। अच्छा। आधा जीवन तो हम भी ताली हैं गोरखनाथ में। हाँ। गोरखनाथ मंदिर। बिहार के नेता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे बिहार के नेता बिहार को खोखला कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में? तो बड़का बड़का नेता है लोग, नीतीश कुमार है, बिहार छोड़कर कभी बीजेपी में जाते हैं तो कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। अच्छा मनीष कश्यप को लेकर अभी धरना प्रदर्शन चलने वाला है, तो क्या उसमें आप समर्थन दीजिएगा? शामिल जरूर जरूर होंगे। अच्छा। हाँ पता लग जाएगा कहाँ समर्थन देना, वहाँ पहुँच जाएंगे हम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, जाइएगा एकदम, जाएंगे शामिल होगी, एकदम शामिल हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुशवाहा है, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज बिहार न्यूज। अभी मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, इनको स्थिति आप लोग देख सकते हैं कैसे इनकी स्थिति है, क्या करते हैं, एक खुद अपना कबाड़ खरीद कर उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप को लेकर बहुत सारे बात बोल रहे थे, तो हम सोचे कि इनका बात है जो आप लोगों के बीच रखें, आप लोग भी क्या इनके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? नाम मत नहीं दे रहा। अच्छा, नाम मोहम्मद मुमताज मियाँ है। अच्छा, मोहम्मद मुमताज मियाँ है। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप को कितना दिन से जानते हैं? हम तो करीब 5 महीने से जानते हैं। अच्छा। इससे पहले तो नहीं जानते थे। अच्छा। हाँ बल्थौर आए थे। हाँ। अर्जन नगर उस समय से हम जान रहे हैं। अच्छा। हमको इससे पहले नहीं जानते थे। अच्छा, मनीष कैसे, अब कैसे आदमी है, क्या करते हैं? बहुत अच्छा आदमी है हमारे। हाँ। देखें तो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ। अच्छा आदमी है, गरीबों की रक्षा करते हैं, और क्या करेंगे। अच्छा आपको क्या लग रहा है, जो मनीष कश्यप इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छे काम करते थे, फिर उनको साजिश में फंसा कर क्यों तमिलनाडु जेल में डाला गया? फंसाने वाला गलत है, बहुत बड़ा भारी गलती किया है, उसको फंसा कर भेज दिया है जेल में। खैर एक दिन तो, एक दिन छूट ही जाएंगे ना। अच्छा। तो छूटने के बाद उनका दिमाग में क्या आएगा, क्या सोचेंगे। हाँ। तो वो जानेंगे। अच्छा एक और बात है, जैसे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी, आप मुस्लिम होकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो करेंगे, कभी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। क्या हम जानते ही नहीं कि मुस्लिम, हम समझते ही नहीं है हिंदू और मुस्लिम। हम धरती पर पैदा ही हैं एक, हम यहाँ पर आकर धरती पर हिंदू और मुस्लिम बनाया गया है। मौलवी कहता है हम मुस्लिम है, पंडित कहता है हम हिंदू है। अच्छा। और दूसरा क्या जानते हैं, हम धरती पर पैदा हुए तो एक हैं, हिंदू और मुस्लिम एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई। देख सकते हैं इनका नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा मनीष का सब चुनाव भी लड़े थे इससे पहले, और फिर चुनाव अगर चाहेंगे लड़ने के लिए क्या आप लोग सपोर्ट की? हाँ बिल्कुल सपोर्ट है हमारे तरफ से, एकदम बिल्कुल सपोर्ट, हम पूरा परिवार सपोर्ट देते हैं। अच्छा मनीष का सब को लेकर अभी धरना प्रदर्शन चलने वाला है, तो क्या उसमें आप समर्थन दीजिएगा? शामिल जरूर जरूर होंगे। अच्छा हाँ पता लग जाएगा कहाँ समर्थन देना, वहाँ पहुँच जाएंगे हम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जाइएगा एकदम, जाएंगे शामिल होगी, एकदम शामिल हो। बिहार के नेता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे बिहार के नेता बिहार को खोखला कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में? तो बड़का बड़का नेता है लोग। हाँ। नीतीश कुमार है। हाँ। बिहार छोड़कर कभी बीजेपी में जाते हैं तो कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। उनको क्या कर लेना है, मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, कभी बीजेपी में सुनते हैं ना, कभी आप अपने आप से लड़ते हैं, अपना बना रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार क्या है? अच्छा बिहार का आपका फेवरेट नेता कौन है, किनको आप पसंद? हमारे तो फेवरेट नेता अभी तक पैदा ना हुआ, रामविलास पासवान जैसा नेता कोई हुआ ही नहीं अभी। अच्छा रामविलास पासवान को बहुत अच्छा से जानते हैं? हां हम बचपन से जानते हैं उनको, रामविलास पासवान को। अच्छा थोड़ी जानते हैं आप योगी आदित्यनाथ को कैसे? योगी आदित्यनाथ को कैसे आदमी, योगी आदित्यनाथ भी बहुत यूपी में फेमस है, उनको बहुत अच्छा। गोरखपुर में गए हैं कि नहीं आप? हम तो आधा जीवन बिता चुके गोरखपुर। हाँ। में रिक्शा चलाकर बाल बच्चा को प्रवस्ती किए हैं। अच्छा गोरखपुर में कैसे बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा बात है, इस समय तो बहुत बढ़िया है यूपी का अंदर। अच्छा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके धर्म से आते हैं, बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ धर्म विरोधी बात करते हैं। नहीं हम तो नहीं सुने हैं। अच्छा। धर्म विरोधी कोई बात करता है? हाँ। जब किए हैं, जब किए हैं। हाँ। आज तो नहीं सुने हैं। अच्छा। आधा जीवन तो हम भी ताली हैं गोरखनाथ में। हाँ। गोरखनाथ मंदिर में भी
बस शरदपुर गांगोली हॉस्टल में रिक्शा चलाते थे हम, हॉस्टल है गांगोली जी का, बहुत बड़ा फेमस है, राजा है वो भी राजा है। अच्छा, हम लोग का देश का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, क्या उनको आप कैसे पसंद करते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे पसंद करते हैं कि आज तो विकास किया है, गरीबों का बहुत रक्षा किया है। अच्छा, आप उनको पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को? हाँ। अच्छा, और क्या, बहुत बढ़िया बात है उनके लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी आपको क्या ऐसा दिखता है कि उनको आप पसंद करते हैं? क्या कहते हैं, गरीबों का रक्षा करते हैं, आज उन्हीं का दिया हुआ है कि राशन खाते हैं हम लोग, फ्री मिलता है, खाते हैं, दो महीने से बंद कर दिए हैं, वो गलती कर रहे हैं। चुनाव पड़ता है 2024 में, देखिए आप किसको वोट दीजिएगा, कांग्रेस को दीजिएगा कि बीजेपी को दीजिएगा? अरे कांग्रेस तो, कांग्रेसी तो है ये है। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? हाँ, फिर भी नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? फिर भी नरेंद्र मोदी का सपोर्ट। अच्छा, देता है, वोट देंगे नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ। सही, प्रधानमंत्री होना चाहिए। अच्छा, हम लोग का जो बिहार में, बिहार में कोई मंत्री बने उससे मतलब नहीं है, मैंने सांसद प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे। देख सकते हैं इनका क्या रुतबा है, क्या बोल रहे हैं कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री उस समय को मतलब नहीं है, मगर देश में अगर कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए तो है दामोदर नरेंद्र मोदी। दामोदर नरेंद्र मोदी जैसा इंसान होना चाहिए। हाँ, गरीबन के रक्षा मिले, राशन मिले, खाने को मिले। हाँ। और गरीब को क्या चाहिए, कुछ? अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आए जब से महंगाई बढ़ गया है। दामोदर मोदी, अच्छा, जब से वो आए जब से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गया है। महंगाई तो बढ़ गया है, लेकिन पहले महंगा सामान नहीं मिलता था। नहीं, इससे पहले तो महंगाई नहीं मिलता था, सस्ता था, मगर फिर भी आने के बाद मजदूरी भी बढ़ गया है। इस समय नरेंद्र मोदी के दादा 2010 में आए हुए हैं वो। अच्छा, आज तो बढ़ गया है, 14 में आए हुए हैं, 2014 में आए हुए हैं इंडिया के अंदर, तो अच्छा है, मजदूरी भी बढ़ गया है और गरीबों का राशन भी दे रहे हैं, फ्री में एक राशन मिलता है, गरीब खाता। अच्छा, आप लोग अभी देख रहे थे मेरे साथ जो मौजूद थे, एक मौलवी साहब थे जो मुस्लिम जाति से आते हैं, आए, बहुत अच्छे अच्छे बात बोल रहे हैं। अगर आप लोग इनका बात कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें लग रहा है कि बहुत सारे जो जाति पक्षी जो धर्म से जुड़े हुए लोग होंगे उनको बुरा भी लगता होगा, मगर इनका बात कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद।